हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। जैसा कि ये वीडियो है स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड से, जैसा कि दोस्तों आप सबका विज्ञप्ति आ गया है बीपीएससी सेकेंड फेड टीचर का, जैसे कि इसका फॉर्म भरने का डेट है 3 नवंबर से 14 नवंबर तक, एग्जाम डेट आपका 7 से 10 दिसंबर के बीच है। तो आपके पास अब टाइम नहीं है, अब जो सुबह और शाम दोनों टाइम वीडियो अपलोड होगा, दोनों टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए और एक महीना लगातार प्रैक्टिस कीजिए। और अपने सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप दूसरी चीज़ पर ध्यान देंगे तो आप चुक जाएंगे, इसलिए डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र है, आर देयर इंटेंसिटी जोन्स फॉर इंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो इंड्योरेंस सहन शक्ति आप जान ही रहे हैं, लंबे समय की क्रिया होती है, तो जहां आप देखते हैं जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता और घनत्व, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम दोनों में विपरीत संबंध होता है। अगर ज्यादा समय की क्रिया है तो इंटेंसिटी कम होगी, और कम समय की क्रिया है तो इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज्यादा होगी। जैसे कि आप 100 मीटर के दौड़ दौड़ रहे हैं तो यहाँ पे 90 से 100% तीव्रता होगी, लेकिन आप 5000 मीटर दौड़ रहे हैं तो वहां पे 40 से 50% तीव्रता होगी, क्योंकि ज्यादा समय की क्रिया है। अगर हाई स्पीड से दौड़ेंगे तो पहले ही थक जाएंगे। तो यहाँ पे सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए तीव्रता क्षेत्र क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, 30 से 50% प्रतिरोध अनुप्रयोग। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर के अवधिकीकरण के अंतिम चरण के उद्देश्य की पहचान कीजिए। तो अवधिकालीनता जो दोस्ती होती है वो 3 फेज होती है उसकी, प्रिपेटिव पीरियड, कंपटीशन पीरियड एंड रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड में आराम की स्थिति होती है, तो यहाँ पे आपका स्वास्थ्य लाभ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, यानी वर्ष भर की अवधिकालीनता के अंतिम चरण का उद्देश्य होता है स्वास्थ्य लाभ, रिकवरी। अवधिकालीनता एथलीट या शारीरिक प्रशिक्षण की एक योजना होती है जिसका उद्देश्य वर्ष भर की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ संभव प्रदर्शन तक पहुंचना होता है। इसमें एक विशिष्ट अवधि के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, एंड अवधिकालीनता वर्ष भर की स्थिति कार्यक्रम को प्रशिक्षण के चरणों में विभाजित करता है, जो 3 चरण में होता है। अंतिम चरण आपका रिकवरी पीरियड होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण विशेषताओं की चक्रीयता के सिद्धांतों के दायरे में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिंग ऑफ ट्रेनिंग करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे कौन आपका प्रशिक्षण विशेषताओं की चक्रीयता के सिद्धांत के दायरे में नहीं आता है, तो शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अलग अलग कार्यों को साथ साथ नहीं किया जा सकता। बात सही है, अलग अलग कार्यों को एक साथ आप नहीं कर सकते, एंड श्रेष्ठतम प्रदर्शन क्षमता की स्थिति के लिए एकल प्रशिक्षण चक्र बनाया जाना चाहिए। तो एकल प्रशिक्षण चक्र तो हो नहीं सकता, उसमें कई चक्र होंगे, एक चक्र में सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे यही आपका गलत है, यही नहीं आता है, ठीक है, और तीनों आता है, यानी कि आपका अलग अलग कार्यों को साथ साथ नहीं किया जा सकता, एंड प्रशिक्षण के कुछ कार्यों को बार बार निपटाना पड़ता है, एंड सफल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी को श्रेष्ठतम प्रदर्शन क्षमता की स्थिति में अवश्य होना चाहिए। ये तीनों फैक्टर आपका आएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षक का उद्देश्य है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट कोच। तो खेल प्रशिक्षक का क्या उद्देश्य है, तो खेल प्रशिक्षक का उद्देश्य ही होता है किस पर्पज से, कि वो कंपटीशन में यानी खेल प्रदर्शन में उसके सुधार हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इंप्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, पूरा थ्योरी सेशन में डिटेल में पढ़ा दी हूँ, बस क्वेश्चन का आंसर जितना जरूरत होगा उतना ही करते हुए मैं आगे बढ़ती चलूंगी, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो दोस्तों क्वेश्चन है, सामान्य नियम के मुताबिक बच्चों को ज्यादा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। एज ए जनरल रूल्स चिल्ड्रेन शुड नॉट बी गिवन मोर ट्रेनिंग देन दिस। तो यहाँ पे किससे इतने से ज्यादा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए बच्चों को, तो 18 से 24 घंटे हफ्ते में, यानी हफ्ते में 18 से 24 घंटे से ज्यादा प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो
आवश्यकता से अधिक हमेशा खतरनाक होता है। यदि कोई बच्चा अभिजात वर्ग की प्रतियोगिता में शामिल है, लंबे समय तक प्रशिक्षण करने के लिए दबाव हो सकता है। विशेष रूप से एक प्रमुख घटना के लिए नेतृत्व में एक सामान्य नियम के मुताबिक बच्चों को 18 से 24 घंटे हफ्ते में इससे ज्यादा प्रशिक्षण नहीं किया जाना चाहिए। एक ऑप्टिमल लोड होना चाहिए, न ज्यादा कम न ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है साधारण स्ट्रेचिंग अभ्यास उत्कृष्ट विधि है। स्ट्रेचिंग एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग जहां भी आएगा वहां फ्लेक्सिबिलिटी उसका आंसर होगा। स्ट्रेचिंग हमारे लचीलापन को बढ़ाता है। आंसर नंबर बी यहां पे राइट हो जाएगा। लंबे समय तक लचीला बने रहने के लिए, यानी कि टू रिमेन फ्लेक्सिबल फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए आपका स्ट्रेचिंग अभ्यास होता है। ठीक है, कि लचीलापन बना रहे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्टलेग, जिसका अर्थ है स्पीड प्ले, एक रूपांतरण है। फॉर्टलेग इज एन एडॉप्टेशन ऑफ स्पीड प्ले विच मीन्स। तो दोस्तों स्पीड प्ले, फॉर्टलेग जो है वो स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले। इसका रूपांतरण है लगातार तेज यानी एक सी चाल, लगातार तेज यानी एक सी चाल। यह एंड्योरेंस यानी सहनशीलता को डेवलप करता है और इसकी खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था। ये बिना पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। एरोबिक एंड एरोबिक दोनों एंड्योरेंस को डेवलप करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडमिल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द ट्रेडमिल यूज टू मेजर। तो ट्रेडमिल का उपयोग वर्क डन इन द रेस, तो दौड़ में किया गया कार्य के रूप में प्रयोग होता है। ट्रेडमिल आमतौर पर एक ही जगह पर रहने, दौड़ने, चढ़ने के लिए उपकरण है। जिस दर पर बेल्ट चलती है वह चलने या दौड़ने की दर है। इस प्रकार दौड़ने की गति को नियंत्रित और मापा जा सकता है ट्रेडमिल के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉगिंग, तैराकी और साइकिलिंग किसका हिस्सा है। तो जॉगिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर पार्ट ऑफ। तो जॉगिंग, तैराकी और स्विमिंग, साइकिलिंग जो है ये किसका हिस्सा है। तो ये एरोबिक क्षमता के अंतर्गत आता है। एरोबिक यानी सहनशीलता के अंतर्गत आता है। सहनशीलता यानी निरंतर जो कार्य निरंतर होता है उसी में सहनशीलता होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतियोगिता योग्यता के ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपटीशन प्लान कॉल्ड। तो ये होता है आपका रणनीति, स्ट्रेटजी। कोई भी काम करने से पहले आप क्या करते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक रणनीति कार्य योजना बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। अर्थात अनिश्चय की स्थिति में एक या अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च स्तर की स्ट्रेटजी यानी योजना बनाना ही रणनीति होता है, स्ट्रेटजी होता है। इसलिए इसको प्रतियोगिता योजना की ब्लूप्रिंट कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल की सिर्फ फॉर्म, सिर्फ यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, शीर्ष होगा। ठीक है, शीर्ष होगा। ठीक, शीर्ष मतलब उच्चतर स्तर, क्या होगा शीर्ष, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। खेल की शीर्ष नहीं, सिर्फ नहीं होगा शीर्ष। खेल की शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है। तो जो खेल की शीर्ष फॉर्म होती है वो किस पर निर्भर करती है, प्रशिक्षण पर। किस पर, ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। यह जितना अच्छा आपका प्रशिक्षण होगा आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। तो किसी भी चीज का द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग आप जब भी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। क्या होता है, लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सेटिंग गोल्स, गोल सेटिंग करते हैं। यानी पहला आपका योजना बनाने का पहला चरण होता है गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारित करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुवांशिक, किसे अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडरेड जेनेटिक अप्रूवल। तो जेनेटिक अप्रूवल यानी कि अनुवांशिक अनुमोदन किसे माना जाता है, तो वो होता है आपका गति यानी स्पीड को अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है। गति यानी स्पीड को अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को किस रूप में जाना जाता है। एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। तो अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड को जाना जाता है एक्लेमेटाइजेशन। किसके रूप में जाना जाता है, एक्लेमेटाइजेशन। क्योंकि ऊंचाई पर प्रशिक्षक
कई धीरज यानी कि एंड्योरेंस वाले एथलीटों द्वारा कई हफ्तों तक अभ्यास किया जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है ऊंचाई स्थान पर, जो समुद्र तल से 2400 मीटर यानी कि 8000 फीट से अधिक ऊंचा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या धीरज विकास की एक पद्धति नहीं है? यहाँ पे हर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है जल्दबाजी में, क्या है? पद्धति नहीं है, ठीक है, पद्धति। इनमें से क्या धीरज विकास की एक पद्धति नहीं है? धीरज यानी कि एंड्योरेंस, धीरज यानी कि एंड्योरेंस, सहन सकता, सहनशीलता। इनमें से क्या धीरज विकास की एक पद्धति नहीं है? तो जो हमारे एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? लगातार प्रशिक्षण यानी कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड रिपीटेशन मेथड, कंपटीशन मेथड, ये सभी चीजें हैं, यानी कि अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड निरंतर प्रशिक्षण यानी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड और फार्टलेक पद्धति यानी फार्टलेक मेथड। ये सभी आपके तीनों के तीनों क्या हैं? एंड्योरेंस को डेवलप करते हैं, बट गति दौड़ नहीं करता, गति दौड़ स्पीड को डेवलप करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रशिक्षण पद्धति में अपूर्ण रिकवरी का मुख्य ध्यान दिया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड द मेन फोकस इज ऑन अनकम्प्लीट रिकवरी। तो आपको याद रखना है, इनकम्प्लीट रिकवरी सुनते ही आप हमेशा याद रखिएगा अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग देते समय जब हमारा हार्ट रेट जो है 180 तक पहुंच जाता है, उसी समय हम ट्रेनिंग को रोक देते हैं, और जो ही हमारा हार्ट रेट जो है 120 से 140 के बीच आ जाता है, यानी इनकम्प्लीट पूरा रिकवरी नहीं किया जाता है, क्यों ही फिर ट्रेनिंग शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ अंतराल प्रशिक्षण राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग किसको विकसित करने के लिए किया जाता है? तो प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसको प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है? तो यह किसको प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है प्लायोमेट्रिक? तो यह एक्सप्लोसिव पावर यानी विस्फोटक शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण किया जाता है, जिसमें एक बेंच होता है 120 सेंटीमीटर का, जगह जगह रखा जाता है एक लाइन बाय लाइन, जिसमें से जंप करना होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव पावर को ये डेवलप करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण चक्र जो दैनिक एवं साप्ताहिक प्रशिक्षण भिन्नता को केंद्रित करता है, ट्रेनिंग साइकिल दैट फोकस ऑन डेली एंड वीकली ट्रेनिंग वेरिएशन। तो जहाँ पे साप्ताहिक या दैनिक शब्द आ जाए, जैसे कि ट्रेनिंग साइकिल तीन प्रकार की है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र, माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं, जो 3 से 12 माह का होता है। मीजो चक्र इसे अवस्थान चक्र या मध्यम चक्र कहते हैं, जो 3 से 6 सप्ताह का होता है। और माइक्रो चक्र सबसे छोटा चक्र होता है, जिसे साप्ताहिक या दैनिक चक्र भी कहते हैं, जो 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का होता है, इसलिए साप्ताहिक चक्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, माइक्रो चक्र। क्या हो जाएगा? माइक्रो चक्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता होती है, तो विस्तृत अंतराल विधि में तीव्रता कितनी होती है? एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड हैज इंटेंसिटी, विस्तृत यानी ज्यादा समय की क्रिया है, ज्यादा समय का अंतराल है, तो उसमें तीव्रता कितना होगी? तो जो हमारा अंतराल प्रशिक्षण है वो 2 प्रकार की होती है, इंटेंसिव यानी गहन अंतराल विधि, जिससे 80 से 90% उसकी तीव्रता होती है, और विस्तृत अंतराल विधि यानी कि एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, जिसमें 60 से 80% होती है, कहीं कहीं 30 से 40% दिया हुआ है, बट 60 से 80% बुक में दिया हुआ है, इसी को माना जा रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण चक्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द ट्रेनिंग साइकिल लास्टिंग 3 to 6 week कॉल्ड? तो 3 से 6 सप्ताह के ट्रेनिंग साइकिल को हम कहते हैं मेजर चक्र, और 3 से 12 महीने के ट्रेनिंग साइकिल को हम कहते हैं माइक्रो चक्र, 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह के ट्रेनिंग साइकिल को कहते हैं माइक्रो चक्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण भार के मुख्य अवयव हैं, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग लोड? दोस्तों ट्रेनिंग भाग, ट्रेनिंग लोड के 2 मुख्य अवयव हैं, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, तीव्रता और आयतन, तीव्रता एंड आयतन। तो यहाँ पे कौन सा
राइट हो जाएगा तीव्रता और आयतन, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम राइट आंसर होगा। इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम यानी कि तीव्रता और आयतन दोनों में विपरीत संबंध होता है। तीव्रता मतलब कितना स्पीड से काम कर रहे हैं, आयतन मतलब कितना समय लग रहा है। तो वॉल्यूम यानी कि समय जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतना कम होगी, और वॉल्यूम यानी समय जितना कम होगा इंटेंसिटी यानी तीव्रता उतना ज्यादा होगी, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण अभ्यासों के दौरान चय अपचय का अंतिम उत्पाद क्या है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ऊर्जा बर्न होता है, उसके परिणाम में अंतिम उत्पाद आपका होता है लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण थकावट होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार दर होती है, भार दर होती है, भार दर होती है, व्हाट इज द लोड रेट। तो भार दर क्या होती है, तो भार दर जो होती है भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होती है। भार दर, भार दर यानी जो इंटेंसिटी होती है घनत्व यानी कि समय के विपरीत अनुपाती होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो भार की बढ़ोतरी, प्रशिक्षण की बारंबारता एंड निरंतरता यानी इंक्रीज इन वेट, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूटी, ये तीनों के तीनों आपके प्रशिक्षण के सिद्धांत है, बट क्रिया की प्रमेयता नहीं है, क्योंकि इसमें भार को बढ़ाया जाता है घटाया नहीं जाता, याद रखिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट को जैसे कि खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अतिभार का सिद्धांत, प्रगतिशील विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत, सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, अवधिकालीनता का सिद्धांत, आराम और वसूली का सिद्धांत, सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, ये सभी खेल सिद्धांत के चरण हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्टलेक प्रशिक्षण बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, तो यह सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस को डेवलप करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रशिक्षण जिसमें 6 से 10 शक्ति व्यायाम शामिल होते हैं जिन्हें एक के बाद एक व्यायाम के रूप में किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सर्किट प्रशिक्षण, जिसकी खोज एडमसन मॉर्गन ने किया था, ठीक है, एडमसन मॉर्गन ने किया था इनकी खोज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण के दौरान थकान के अभ्यास का कारण होता है, आभास का कारण होता है, अभ्यास नहीं, प्रशिक्षण के कारण थकान के आभास का कारण होता है, जो आपको थकान का आभास होता है तो किसके कारण होता है, तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, क्या होता है, यानी पेशियों को कुछ समय तक निरंतर कार्य करने पर, उनमें आकुंचन प्रसार करने पर क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, अंत में लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा में जमा हो जाने के कारण आकुंचन हो नहीं पाता, बाद में जब विश्राम किया जाता है तो धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल ऑक्सीकृत होकर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, जिसके कारण थकावट समाप्त हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है, यानी कि सुनियोजित, सुनियोजित यानी कि टैक्टिकल ट्रेनिंग, यहां पे सुनियोजित का मतलब क्या है, टैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, याद रखिएगा, सुनियोजित का मतलब यहां पे है टैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, टैक्टिकल ट्रेनिंग। टैक्टिकल ट्रेनिंग कब किया जाता है, तो टैक्टिकल ट्रेनिंग जो होता है वह कौशल में महारत पाने के बाद होता है, यानी कि स्किल पर, आफ्टर स्किल मास्टरिंग द स्किल, तो स्किल पर मास्टरिंग हो जाने के बाद आप अपने टैक्टिक्स का प्रयोग करते हैं, युक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास को अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है और इसमें शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए, प्रैक्टिस इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज ट्रेनिंग एंड शुड इंक्लूड, तो अभ्यास में अक्सर शामिल किया जाता है, तो अभ्यास में अक्सर प्रशिक्षण के रूप में वर्णित किया जाता है, इसमें शामिल क्या होंगे, तो हमारा फेफड़े का विश्राम, मांसपेशियों का परिश्रम, हृदय का परिश्रम, ये सभी चीजें शामिल होंगी अभ्यास के प्रशिक्षण में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सबसे पहले देखेंगे कौन उद्देश्य है। तो एथलीट के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में गतिमान करना, सही बात है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग का ये उद्देश्य है कि एथलीट के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को गति आगे बढ़ाए एंड एथलीट के अभिवृत्ति आदत और वर्तन में परिवर्तन करे। एथलीट को तकनीकी और सुनियोजित कौशलों में उच्चतम बनाना होता है एंड यहाँ पे कौन उद्देश्य नहीं है? तो एथलीट को के एथलीट के जो सपने केवल 3 जीत के संदर्भ में बनाना होता है, ये एकदम गलत है। केवल जीत के लिए नहीं होता है खेल प्रशिक्षण, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रशिक्षण भार एथलीट के सामर्थ्य से बहुत कम या अधिक नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अनुकूलन भार, यानी ऑप्टिमल लोड। क्या कहते हैं? ऑप्टिमल लोड। जब प्रशिक्षण भार न बहुत ज्यादा है न बहुत कम है, यानी सामान्य है, तो उसे हम कहते हैं अनुकूलन भार, यानी कि ऑप्टिमल लोड अनुकूलन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संकल्पना आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है? तो वह कौन सा है? शारीरिक प्रशिक्षण। कौन आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव को दर्शाता है? शारीरिक प्रशिक्षण, ठीक है। शारीरिक प्रशिक्षण आधुनिक शारीरिक शिक्षा का वास्तविक स्वभाव दर्शाती है, जिसमें सामान्य फिटनेस और विशिष्ट फिटनेस एंड सामान्य शारीरिक फिटनेस व्यायाम सही आहार पर्याप्त आराम के द्वारा हासिल हो जाती है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एक व्यापक अध्ययन अध्यापन परिघटना है और एथलीट के लिए उसके लक्ष्य हैं। तो ट्रेनिंग इज ए विडली स्टडाइड पेडोलॉजिकल पेडागोगिकल फेनोमिनॉन एंड इट्स गोल्स फॉर द एथलीट आर। तो जो प्रशिक्षण है एक व्यापक अध्ययन और अध्यापन परिघटना है और एथलीट के लिए उसके क्या लक्ष्य हैं? तो उसके लक्ष्य हैं प्रदर्शन में वृद्धि। क्या है? एक प्रशिक्षण करते हैं, प्रशिक्षण किया जाता है कि वो प्रदर्शन में वृद्धि करे, उसके प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस में प्रोफेंसी आ सके, ठीक है, प्रोस्पेरिटी आ सके, इनहेंस हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में हताशा का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रस्ट्रेशन अमंग प्लेयर्स? तो जो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है खिलाड़ियों में, हताशा हो जाता है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर के कारण, ठीक है। यानी कि सामान्यतः महत्वाकांक्षा और सामर्थ्य के अव्यवस्थित स्तर के कारण खिलाड़ियों में हताशा पैदा होती है, क्योंकि खिलाड़ियों में पूर्ण तैयारी सही रणनीति नहीं होने के कारण ही भी हताशा साथ नहीं छोड़ती और खिलाड़ी नर्वस और निराश नजर आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल निष्पादन किसका उप उत्पाद है? स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज ए बाय प्रोडक्ट किसका होता है? तो वह संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि कंप्लीट पर्सनालिटी का एक बाय प्रोडक्ट यानी कि उप उत्पाद होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का उप उत्पाद होता है। किसी भी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस टोटल पर्सनालिटी उसके व्यक्तित्व पर आधारित होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। डेली बेसिस में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। डेली बेसिस में आपको वीडियो डालती रहूंगी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक प्रैक्टिस कराती रहूंगी। एंड आप अपने सेल्फ स्टडी पर, सेल्फ प्रैक्टिस पर, मेरे साथ वीडियो की प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दीजिए और अपने टाइम को मैनेज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।